रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के गांव बेहटा कला पूरे बैजू के दलित युवक मोहित कुमार पुत्र रामबहादुर रैदास को विगत चार दिन पूर्व 26 अगस्त 2020 को क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चोरी के नाम पर कोतवाली लालगंज के उपनिरीक्षक जय प्रकाश यादव ने महफूस युवक के घर पहुंची और वहां से मोहित कुमार को उसके घर से पकड़कर कोतवाली लालगंज ले गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि युवक को कोतवाली लाने के बाद लगातार 3-4 दिन उसकी जमकर पिटाई की, जिससे युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया और जिला अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। बेहटा कला गांव तथा आसपास के गांवों के लोगों ने मिलकर कोतवाली के सामने रोड जाम कर दिया, जिससे कई थानों की मौजूद पुलिस फोर्स ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। दूसरे दिन 31 अगस्त को शव को पोस्टमार्टम के बाद रायबरेली इंदिरानगर के समीप वैकुंठ धाम में दाह संस्कार किया गया, जिसमें जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक स्वप्निल मंगाई तथा अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय व क्षेत्र के समस्त क्षेत्राधिकारी तथा आसपास के थानाध्यक्ष पुलिस की उपस्थिति एवं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के प्रदेश प्रभारी सत्येश गौतम, ग्राम सभा बेहटा कला से वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र प्रताप सिंह, रामू व कई अन्य लोगों की उपस्थिति में दाह संस्कार किया गया। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। हटो 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 बस हो गया हटो हटो हटो।